दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनने से पहले ही जांच के दायरे में आ गया है। दरअसल मेरठ के मंडलायुक्त प्रभात कुमार ने इस प्रोजेक्ट के नाम पर बांटी गई मुआवजे की रकम की पोल खोली है, जिसमें किसानों की जमीन के लिए दिया गया 370 करोड़ के मुआवजे का पैसा ऊपर बैठे अधिकारी डकार गए। एक तरफ डीएम इस घोटाले को पकड़ने की बजाय देखते रहे, वहीं एडीएम तो बस हस्ताक्षर करने के नाम पर ही मालामाल होते रहे। एनएचआई ने लैंड का अधिग्रहण किया था, उसके बाद उसमें बेनामी हो गए और बेनामी के बाद फिर मुआवजा किसानों के पक्ष में गया। तो ये तकरीबन 2012 से लेकर के 2016 तक के बीच का प्रकरण है। तत्कालीन जिला अधिकारी ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था। उस कमेटी ने अपनी आख्या जिलाधिकारी तत्कालीन जिलाधिकारी को दी थी, प्रेषित की थी, तो पहले भी उसमें जाँच हो चुकी है। बेसिकली उसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत की गई है जी, और उसकी जांच आख्या जो है मंडलायुक्त महोदय को सौंपी। दिल्ली से मेरठ तक बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 21 किलोमीटर है। इसके लिए सरकार ने 18 गांवों के किसानों की 268 हेक्टेयर जमीन ली है और बदले में मुआवजे देने का ऐलान किया, लेकिन अधिकारी मुआवजा का पैसा गप कर गए। ऐसे में देखना ये होगा कि जांच में किस किस अधिकारियों का नाम सामने आता है। न्यूज़ ब्यूरो।